चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बिजनौर में जारी है अवैध गैस का कारोबार। मामले में न्यूज़ वन इंडिया का यह बड़ा खुलासा। हम आपको बता दें कि अधिकारियों की मिलीभगत से यह अवैध कारोबार चलता है। जिले के अंदर होते होते बचा दिल्ली कांड। टांडा माई दास में चल रहा अवैध गैस का कारोबार पिछले कई महीनों से चल रहा है। अवैध गैस का कारोबार भारी मात्रा में अवैध तरीके से घरेलू सिलेंडर सप्लाई करता है। ये शख्स जफर नाम का शख्स अपने घर में अवैध तरीके से गैस की सप्लाई करता है। आला अधिकारियों की मिलीभगत से यहां पर अवैध गैस सिलेंडर का कारोबार चल रहा है। बिना परमिशन 50,000 LPG सिलेंडर रखकर यहां पर गोदाम बना रखा है। मामले में जफर के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। ऐसे में थाना नगीना देहात के टांडा माई दास का यह पूरा मामला, जहां पर अवैध तौर पर गैस सिलेंडर का यह गोदाम बनाकर रखा हुआ है। जफर नाम का व्यक्ति यहां पर इस पूरे गोदाम को चलाता है। न्यूज वन इंडिया पहले ही इस बात का खुलासा कर चुका है कि यहां पर यह पूरा जो कारोबार हो रहा है, ये मिलीभगत से हो रहा है। तमाम कर्मचारी इस मिलीभगत के साथ इस पूरे धंधे को चला रखे हैं। फिलहाल मामले में जफर के खिलाफ कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। फैसल खान संवाददाता मरिजनौर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। फैसल, इसकी हकीकत बयां कीजिए। ये गोदाम 50,000 सिलेंडर यहां पर दिखाई दे रहे हैं, परमिशन के बिना यहां पर ये गोदाम चल रहा है। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, अगर बात करें सिलेंडरों की तो 2 से ज्यादा सिलेंडर ये घर में होने सही नहीं है। लेकिन अगर बात करें जफर के गोदाम की तो 50 से ज्यादा सिलेंडर रख के अवैध रूप से ये बेचता है। क्या इसमें अधिकारियों की मिलीभगत है? ये अपने आप में एक सवाल उठता है। और अगर कोई हादसा हो गया तो शायद पूरा गांव ब्लास्ट में खत्म हो सकता है। इतना बड़ा कारोबार, इतने बड़े पैनामे में क्या अधिकारी को इस बात का कोई पता नहीं? ये भी अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। बिल्कुल, और सीधे तौर पर यहाँ पर शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई। क्या प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से कोई गंभीरता दिखाई नहीं जा रही इस मामले पर? बस ये बिल्कुल कह सकते हैं कि अगर मीडिया में जागरूक होने वाला इसका स्टिंग करा गया और बताया गया अधिकारियों से, उसके बाद भी कोई कार्रवाई अभी तक जफर के खिलाफ नहीं हुई। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया फैसल हमसे जुड़ने के लिए। तो बिजनौर की यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर 50 से ज्यादा एक कमरे के अंदर सिलेंडर रखे हुए हैं। थाना नगीना देहात के टांडा गांव का यह पूरा मामला है, जहां पर बिजनौर में अवैध तरीके से गैस का कारोबार किया जाता है। तो अधिकारियों पर मिलीभगत का आरोप भी लगा है। जो सिलेंडर यहां पर पकड़े गए हैं वह HP के हैं, खाली है, जो कि 12 सिलेंडर हैं, खाली सिलेंडर हैं। और वो आगे की जो है अब कोई और मौके पे तो हमें कुछ नहीं मिला। फिलहाल ये सिलेंडर हैं, इनके देख के आगे वो कार्रवाई करी जाएगी। फिलहाल तो अभी आपने वीडियो बनाई है, उसे देखेंगे, उसके अनुसार ही जांच करेंगे कि कहाँ पे हैं, कहाँ पे थे वे, उसके बाद ही कुछ बताएंगे।